IVM. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो ख्याति, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रणय। अभी भारत में वैसे इलेक्शन का माहौल बनने लगा है और उसके बारे में काफी सारे मूड ऑफ द नेशन सर्वे, ऐसे अलग अलग सर्वे आने लगे हैं, तो क्यों ना आज कुछ इसी प्रकार के विषय पे बात की जाए। हाँ, उस पे करते हैं। और उससे पहले मुझे बड़ा ही अटपटा सा लगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ हेलो सौरभ कैसे हैं आप, तो इस बार कुछ मिजाज अलग है क्योंकि सौरभ आज उन्होंने छुट्टी मार दी है, वो उनको कुछ काम आ गया था। तो खैर, हम लोग पुलियाबाजी तो हमेशा जारी रहनी चाहिए, तो पुलियाबाजी शुरू करते हैं इस पे। और आपने बहुत सही बात बोली क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के ऊपर कई बार ऐसी चर्चाएं तो होती है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी वगैरह वगैरह, लेकिन उसके जो मूल कारक है हमारी पॉलिटिक्स के, उसके ऊपर चर्चा कम ही होती है। लेकिन पुलियाबाजी ने यह गलती नहीं की थी, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया था राहुल के साथ, जिसपे हम लोगों ने उनकी किताब आइडियोलॉजी आइडेंटिटी वगैरह पर चर्चा की थी और समझने की कोशिश की थी कि भारतीय मतदाता किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अपने वोट देता है। तो उसी चर्चा को जारी रखते हैं और एक बार फिर राहुल को हमने बुलाया है पुलियाबाजी में इस विषय पर बात करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो राहुल पुलियाबाजी में फिर से आने के लिए। धन्यवाद प्रणय और ख्याति। हाँ, वैसे राहुल एक बहुत प्रेस्टीजियस चीज है, बहुत कम लोगों को हम लोग पुलियाबाजी में दो बार बुलाते हैं, लेकिन आप आए क्योंकि क्योंकि क्या हुआ, कई हमारे दर्शकों ने भी हमें लिखा, श्रोताओं ने भी लिखा कि वापस इलेक्शन आ रहा है और आप राहुल को वापस लेकर आइए, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। तो हम लोगों ने सोचा ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई और इसीलिए हम लोगों ने आपको लिखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। प्रणय आपका भी धन्यवाद। आई थिंक हम लोग अब 5 साल बाद लगभग बात कर रहे हैं, हमने 2019 के चुनाव से जस्ट पहले बात की थी और अब 24 का चुनाव आ गया, तो मुझे भी जब से आपका ईमेल आया है तब से मैं इंतजार कर रहा था कि हम लोग किस दिन चर्चा करेंगे इस तरह। 5 साल हो गए तो फिर रिफ्रेश तो बनता है, मतलब ये सब चीजें तो बदलती रहती है, तो जानना चाहिए कि नया क्या है अब। सही है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। राहुल, जैसे कि हालिया एक CSDS की एक जर्नल जो है स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसका नया एडिशन आया था और इसमें कई सारे पेपर्स हैं जिसमें भारतीय मतदाता को समझने की कोशिश की गई है, तो अलग अलग थीम्स पर पेपर हैं और एक पेपर आपका भी है। तो सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि क्या ट्रेंड्स क्या है भारतीय वोटर से जुड़े हुए, हमें कितना पता है, क्योंकि नहीं तो ये चीजें के बारे में तो ऐसे ही रस्ते पर भी बातें होती रहती हैं, कई लोगों की कई कहानियां होती हैं, लेकिन डेटा वाइज वगैरह वगैरह क्या ट्रेंड्स हैं जो हमें पता पड़े हैं। तो धन्यवाद प्रणय, हमें ठीक ठाक ढंग से चीजें पता है, पर दिक्कत क्या है कि जो स्कॉलरली डोमेन में रिसर्च हो रही है, जो लोग इस रिसर्च को कर रहे हैं या एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, वहां पे जो बातचीत चल रही है या जो बातचीत टीवी या ओपिनियन पेजेस पे चल रही है या जो बातचीत पुलिया पे बैठ के हो रही है या चाय के प्लांट हो रही है, उन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे ख्याल से टीवी के भी डिस्कशंस में और पुलियाबाजी के भी डिस्कशन पे, आप किशो के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, पर जो ऐसे हम लोग आपस में गपशप मारते हैं, वहां पे बातचीत बहुत ज्यादा बदल नहीं रही है। मतलब वो ऐसे लगता है कि अभी भी हम उतना ही जानते हैं जितना पहले जानते थे, पर अगर आप एकेडमिक रिसर्च में देखेंगे तो अब कई नई चीजें हमें धीरे धीरे पता चल जा रही है। और उसका कारण है कि अब पहले से ज्यादा एक तो डेटा अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, पर हम पहले से ज्यादा जानते हैं अब कुछ चीजों के बारे में। हमें, मैं कहूंगा कि हमें फर्स्ट ऑर्डर इंफॉर्मेशन है कि लोग किन चीजों को तवज्जो दे रहे हैं, क्या मुद्दे हावी होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कब सरकार का कामकाज ज्यादा मैटर करता है, कब इमोटिव इश्यूज मैटर करते हैं। तो हमें अब
ठीक ठाक कुछ चीजें पता है, जहां एकेडमिकली भी हम लैग करते हैं वो दो एरियाज हैं। एक तो अभी हमारे पास मतलब जिसे कहूंगा ना कि एक फ्रेमवर्क नहीं हुआ, ये सब मतलब डिस्परेट फैक्ट्स की तरह है, हमें सरकार के कामकाज के बारे में पता है, आइडियोलॉजी के बारे में पता है, पर अगर हम सब चीजों को साथ में रखें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय मतदाता ऐसा दिखता है और ऐसे बिहेव करता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का मतदाता है और जो तमिलनाडु का मतदाता है उसमें क्या समानताएं या क्या विभिन्नताएं हैं, या फिर जो 1990 या 1980 में मतदान के स्वरूप हुआ करते थे वो आज कैसे मिलते हैं और कैसे नहीं मिलते हैं? तो थियोरेटिकल लेवल पे अभी मेरे ख्याल से बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। तो राहुल, लेकिन आप कह रहे हैं फ्रेमवर्क नहीं है, पर फ्रेमवर्क तो है, आपकी किताब में था, तो वो फ्रेमवर्क को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते? वो एक फ्रेमवर्क है। देखिए, जाहिर सी बात, राजनीति को समझने का दिक्कत क्या है कि जो लोग कास्ट के प्रिज्म से या रिलीजन के प्रिज्म से या आइडेंटिटी के प्रिज्म से राजनीति को समझते हैं वो उसके बाहर नहीं देखना चाहते, या जो लोग इकोनॉमी और आइडियोलॉजी या गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के मुद्दे पे राजनीति को समझना चाहते हैं वो दूसरी तरफ नहीं देखना चाहते। हमें फ्रेमवर्क इस तरह का डेवलप करना होगा कि ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि आइडियोलॉजी ओनली डिटरमिन्स पॉलिटिक्स या कास्ट ओनली डिटरमिन्स पॉलिटिक्स। रिलेटिवली इन सब का क्या योगदान होता है वोटिंग निर्णय को बनाने में, और वो कैसे बदल रहे हैं या किन राज्यों में अलग है, उसका हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। तो आइडियोलॉजी एक फ्रेमवर्क है, बट मतलब वो भी अपने आप में मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से अच्छा फ्रेमवर्क है, उसमें भी काफी कमियां हैं और उसको भी मतलब वो एक नेशनल लेवल पे एनालिसिस है, पर मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि ये फ्रेमवर्क सेम तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी ऑपरेट करेगा या साउथ इंडिया में भी ऑपरेट करेगा। वो तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपके फ्रेमवर्क में एटलीस्ट दो डायमेंशंस है, तो दो डायमेंशन भी बहुत कम है इतने कॉम्प्लेक्स चीज को एनालाइज करने के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा, अक्सर हम लोग एक ही डायमेंशन के बारे में सोचते हैं, तो इसमें हम लोग एटलीस्ट सोच रहे हैं कि अलग अलग आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो हाँ, तो जारी रखते हैं। ख्याति, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ, तो मैं आपको पूछना चाहती थी राहुल, कि आपने बताया कि कुछ फर्स्ट ऑर्डर चीजें तो हम काफी कॉन्फिडेंटली या बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो जस्ट हमारा डिस्कशन के स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं जो पिछले समझिए कि पिछले एक दशक में उभर के आए हैं, और जो इसके पहले की जो ट्रेंड्स होते थे उससे थोड़े अलग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जैसे दुनिया बदल रही है, पॉलिटिक्स बदल रही है, हमारी डेमोग्राफिक बदल रही है, तो थोड़ी सी बस उस पे एक झांकी देंगे तो हमें थोड़ा आगे का डिस्कशन हम उस पे कर सकते हैं। बिल्कुल ख्याति, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स एक सिस्टम में ऑपरेट करती है, और अपने आप में अगर हम सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से भी मैं सोचूं तो 1990 से लेके 2014 के बीच की जो राजनीति थी उसे हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन होता था। 14 के बाद हमने देखना शुरू करा है कि एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में थी 14 में, और 19 में उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। तो स्ट्रक्चरली वो काफी कुछ शेप करेगा कि पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। पर अगर जैसे हम CSDS के सर्वेज भी, और सी वोटर करता है, एक्सेस माई इंडिया, अब ये सर्वेज थोड़ा ज्यादा, पहले आप ये देखेंगे कि 2004 के पहले इतने ढेर सारे सर्वेज नहीं होते थे या उनकी चर्चा नहीं होती थी। तो अब पिछले 20 सालों में अगर मैं कुछ एक निचोड़ की तरह दो चार ट्रेंड्स आपको इशारा कर सकूं, अब हमें मोटा मोटा पता है कि लगभग एक तिहाई के आसपास मतदाता चुनाव से पहले ही निर्णय कर चुका होता है, वो कैंपेन शुरू होने के पहले ही, कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, जिसको आप आइडियोलॉजिकल मतदाता भी कह सकते हैं, या वो हो सकता है अपनी कास्ट की वजह से भी किसी पार्टी की वजह जुड़ा हो, पर वो पार्टी के प्रति लॉयल मतदाता है, उसे कहाँ वोट करना है पता है। और एक तिहाई मतदाता है जो कैंपेन के दौरान करता है, जब कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाता है, और लगभग एक चौथाई से एक तिहाई मतदाता जो है वो आखिरी के दो दिनों में 48 घंटों में करता है। तो अब ये मोटा मोटा जैसे हमें पता है कि ये चीज मैटर करती है। दूसरा, जैसे अब स्ट्रक्चरली पॉलिटिक्स चेंज हो गई, नाउ यू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो कि शायद इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री के एक बड़े वोट एग्रीगेटर हैं। मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी लेवल्स है वो आप शायद
इंदिरा गांधी या नेहरू से मैच कर सकते हैं या शायद वो अब उनके भी पास या आगे निकल जाएंगे, हमें नहीं पता है। पर 1990 के दशक में या 2000 के दशक में कोई इतना पॉपुलर लीडर नहीं था, तो अब लीडर्स इलेक्शन स्विंग कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि ये चीज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, राज्य के स्तर पे भी ममता बनर्जी 10-15 सालों से चुनाव में है, आप नीतीश कुमार यादव, तो अब हर स्टेट में ना एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हो गए हैं जो वोट को स्विंग करते हैं। तो हमें लीडरशिप के इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। हमें अब ये पता है कि एक इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन होता है कास्ट और पॉलिसी और आइडियोलॉजी का, ये मतलब एक सिंगल डोमेन में काम नहीं करती है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं इसलिए इस पार्टी को वोट करता हूं, वो एक पॉलिसी रिलेशनशिप है। हमने ये देखा कि आप देखिए 1990-2000 के दशक में सिर्फ लगभग 59-60 के आसपास हमारा मतदान रहता था, जो 14 में 66% हो गया अब 68% हो गया। साथ में हमें ये पता है विमेन पार्टिसिपेशन टर्नआउट उनका इंक्रीज हो गया, पहले विमेन और मेन का टर्नआउट में काफी गैप हुआ करता था, अब वो गैप ऑलमोस्ट जीरो हो गया, इनफैक्ट कुछ जगहों पे विमेन आर टर्निंग आउट मोर। तो ऐसे कई ट्रेंड्स हैं जो अब एम्पिरिकली रोबस्ट ट्रेंड्स हैं। तो इसमें अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहे हैं और इसका राजनीति पे बड़ा असर क्या पड़ रहा है। राहुल, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात कही आपने, उससे मैं थोड़ा आपको और पूछना चाहता था। आपने कहा एक तिहाई लोग जो हैं जो पहले से ही सेट है अपने विचारों में कि किसको वोट करना है, तो ये दूसरे देशों के, दूसरे लोकतंत्र देशों के कंपैरिजन में ये नंबर कहाँ स्टैंड करता है कि अमरीका में क्या 60% लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते होंगे या इससे कम होगा या ज्यादा होगा, और उससे हमें क्या पता पड़ता है कि लोग ऑलरेडी पोलराइज नहीं है? अगर 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 सिर्फ इसे आंकड़ों में देखा जाए तो यूएस में ऑफ कोर्स अमेरिका में ये नंबर ज्यादा है, वहां पे ज्यादा लोग पहले से तय कर लेते हैं, और उसका एक कारण है, इसको इस तरह से भी समझना होगा कि क्योंकि वहां की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो अब ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट कि दो पार्टीज के बीच में चुनाव हो रहा है, पर एक स्टेबल पॉलिटिक्स चल रही है, उनके इश्यूज स्टेबल हैं, और ये जैसे जैसे डेमोक्रेसी मेच्योर होती जाएगी शायद हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। तो एज ऑफ डेमोक्रेसी और एज ऑफ इलेक्शंस का भी फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टीज है, मतलब आप ये मानिए कि दुनिया के हिसाब से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और पार्लियामेंट तक पहुंचती हैं। लगभग 300 से ज्यादा पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और लगभग 30 से 35 पार्टी पार्लियामेंट के अंदर थी, भले उसमें से 10 पार्टियों का सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो हमारी पार्टी में काफी वोलेटिलिटी है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टी फॉर्मेशन और उनके कुछ दिनों तक रहने का। और मैं इसके साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ कि भले हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी पार्टियां दिखती हैं, पर बहुत कम पार्टियां ना चुनाव जीत पाती हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये कहें कि एक मार्क रख दें कि स्टेट लेवल पे उनको 5% वोट मिलता है लगातार दो चुनाव में, तो वो आंकड़ा 100 पार्टियों के अंदर है पूरे 75 सालों में, जबकि हमारे यहाँ लगभग 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इन 75 सालों में। मतलब वही जो इनिशियल कॉस्ट है एक भी सीट जीतने का, वो बढ़ता ही जा रहा है शायद, क्योंकि तो मैं ये कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि सब लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में लोग कितना पैसा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि ये सबसे वर्स्ट स्टार्टअप आइडिया होता है। मतलब कि इसमें सफलता के जो चांसेस है बहुत ही कम है। तो हाँ, हम उन लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और शायद पैसे बना रहे हो, पर हम वो भूल जाते हैं कि एक सफलता के पीछे लगभग 90 फेलियर्स है, बोथ एट द कैंडिडेट लेवल एज वेल एज, मतलब आप समझिए 90% कैंडिडेट, लगभग 9,500 लोग चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में, 90% कैंडिडेट्स को 1% वोट भी नहीं मिलता है। तो टेल एंड बहुत लंबा है, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं उसमें से आगे, पर हम उनको देखते नहीं है और हमें पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा फेलियर रेट है उसमें। हाँ। तो राहुल, हम आपकी जो आपने भी इसी जर्नल के एनालिसिस में आपने अपना एक पेपर लिखा है आर्थिक विचारधारा के ऊपर कि क्या भारतीय वोटर आर्थिक विचारधारा के बेसिस पे बटा हुआ है कि नहीं, तो एक तो ये एक सवाल क्यों आपने परस्यू किया, आपको क्यों लगा कि ये एक सवाल है जिसका आंसर ढूंढना चाहिए? अच्छा, तो ये एक्चुअली कनेक्ट होता है आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी से। बेसिकली ये पेपर जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ये उस किताब से पहले लिखा गया था,
क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के ऊपर ही रिसर्च होती है, खास तौर से पूरी दुनिया का मतलब है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड इस समय तो क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी की काफी स्टडी हुई है। फिर ये हुआ कि इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पे तो कुछ खास डिफरेंसेस दिख नहीं रहे हैं, तो ये तो किताब का हिस्सा नहीं हो पाएगा, हमें ये पता करना है कि कौन से दो डाइमेंशंस हैं जिसपे पॉलिटिक्स हो रही है और किताब का वो हिस्सा बना। और उस समय प्लान ये था, क्योंकि ये सारी चीजें शुरू हुई थी, उसके बारे में बाद में विस्तृत से बात कर सकता हूँ, लोकनीति CSDS का वो मेरे ख्याल से उनका 25वां सालगिरह था और उन्होंने कुछ लोगों को बोला था कि आप अलग अलग चीजों पे आके पेपर प्रेजेंट करें, तो हमें कहा गया था कि आप पार्टीजनशिप और आइडियोलॉजी के ऊपर पेपर प्रेजेंट करें, और फिर ये प्लान था कि इसका एक एडिटेड वॉल्यूम लाया जाएगा। खैर वो एडिटेड वॉल्यूम नहीं आ पाया समय से कुछ और कारणों से, और फिर उन्होंने तय किया कि अब इसे एक स्पेशल इशू के रूप में लेकर आते हैं। तो उसकी कहानी वहां से है कि पूरी दुनिया में इस पे रिसर्च होती थी, इसलिए हमने भी शुरू करा, क्योंकि हमें इंडिया में इस पे कुछ खास दिखा नहीं, तो हमने फिर सोचा कि किन चीजों पे होता है, जो कि हमने किताब में पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटिज्म और रिकॉग्निशन पे काम करा था, उसमें इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बारे में बात करी थी कि ये इंडिया में नहीं काम करता है, पर एक उस पे फुल फ्लेज्ड पेपर टाइप में उस किताब में नहीं करा था, तो इसलिए इस पर्चे के पीछे कहानी ये है। पर आर्थिक विचारधारा के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत में एक आम सहमति ये है ना कि सभी पार्टियां एक प्रकार से एक ही प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करती है, उसके बेसिस पे कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन आप अपने पेपर और आपने अपने डेटा के रिसर्च से क्या पाया इसके अंदर? देखिए, अब शायद यही एक कारण था कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने रेटोरिक्स में या जब वो सरकार में आती हैं और विपक्ष में बैठती हैं तो उनकी बातें लगभग एक तरह की होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के मद्देनजर, और इसीलिए एक स्कॉलरली कंसेंसस हो गया था कि इंडियन पॉलिटिक्स नॉन आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट राइट स्पेक्ट्रम में इकोनॉमिक पॉलिसीज पे डिफरेंसेस पढ़ के ही आइडियोलॉजी के बारे में सोचते थे। पहली बात, ये हिस्टोरिकली सही नहीं है। अगर आप कुछ नए काम आ रहे हैं स्वतंत्रता पार्टी के ऊपर और इन सब के ऊपर, आपको पता चलेगा कि 30s, 40s, 50s में, मतलब मैं कहूंगा 30s के बाद से लेकर एटलीस्ट 1990 तक, एलीट लेवल पे, पॉलिटिकल एलीट मतलब चाहे वो मंत्रीगण या पार्टी के नेताओं के बीच में इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पे डिफरेंसेस थे। मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो बनी थी, जो कांग्रेस का सोशलिस्ट विंग था, वो उनसे अलग हो गया था, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ही उनके डिफरेंसेस थे। फिर इसके बाद जो स्वतंत्रता पार्टी फॉर्म हुई थी, जो 1959 आई थिंक अवाड़ी सेशन या नागपुर सेशन के बाद, जिसपे अगेन इकोनॉमिक इश्यूज पे डिफरेंसेस थे कि नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार है वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्टेट के दखल को लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम उनसे अलग होना चाह रहे हैं। आप देखेंगे ये 1990s तक कांग्रेस के अंदर भी, जब वो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे और उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करा, तो कांग्रेस के अंदर भी बहस चल रही थी। कांग्रेस ने कभी बहुत दिनों तक उस लिबरलाइजेशन को ओन नहीं करा, उनके नेताओं ने उसमें जाकर जनता को समझाने की कोशिश नहीं करी कि ये हमारे पार्टी का प्लैंक है और हम इस तरह से हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो हमेशा एलीट लेवल पे डिफरेंसेस रहे, पर ये कभी जिसे कहेंगे ना चुनावी मोबिलाइजेशन का मुद्दा नहीं बन पाया। इसके बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, हमने एक तरह के कारण अपने पेपर में रखने की कोशिश करी, और मुझे लगता है कि इसीलिए किसी भी बात पे कोई हम सही से चीजें जान पाए, इसलिए अलग अलग डिसिप्लिन से जब एडिशंस होता है ना किसी टॉपिक पे तो हम ज्यादा सीखते हैं। अब जैसे मेरी ट्रेनिंग एक एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट की है, मैं एक तरह का काम कर सकता हूँ, मेरी ट्रेनिंग एज अ हिस्टोरियन नहीं है। एक हिस्टोरियन ज्यादा बेहतर हमें बता पाएगा कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में पॉलिटिकल लेवल पे क्या इकोनॉमिक डिफरेंसेस चल रहे थे, उसके अच्छे सोर्सेज होंगे, उसके अच्छे साइटेशन होंगे। पर अगर मैंने जो आपको दो तीन एग्जांपल दिए उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि भाई पॉलिटिकल लेवल पे डिफरेंसेस थे। आप मतलब इवन 2009 तक जगदीश भगवती वर्सेस अमर्त्य सेन आप डिबेट सुन रहे थे, और ये दोनों इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में, अगर इनको दो पिलर माना जाए भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में, इनका काफी योगदान रहा है। आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हमेशा बहस चलती रही है, तो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर बहस चलती रही है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल सही है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें डिफरेंसेस रहे।
सवाल ये है कि हम इसे इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन में क्यों नहीं देख पाए। अब इसका आंसर जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि किसी भी मुद्दे को इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन का विषय बनने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। पहला ये होना जरूरी है कि भाई दोनों तरफ एटलीस्ट इनफ लोग हों जिससे अलग अलग पार्टियां उनके वोट को ले सकें और चुनावी रूप से कंपिटिटिव रह सकें। हमारी पॉलिटिकल डेमोग्राफिक सिचुएशन ही ऐसी रही है 1950 से लेकर 2010 और इवन शायद नाउ कि हमारे देश में पुअर सुपर मेजॉरिटी है। लगभग 70-80% जनता गरीब है, $1 a day रहती है, लार्जली रूरल इकोनॉमी है। तो आप जहां वेस्ट यूरोप में ये पॉलिटिक्स पनपी उसके पीछे कारण था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अलग अलग क्लीवेजेस तैयार करे सोसाइटी में जिसमें सेंटर पेरिफेरी आया, रूरल अर्बन आया, ऑर्गेनाइज लेबर वर्सेस कैपिटल आया। अब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में less than 10% ऑफ लेबर है, तो आप मोबिलाइज कैसे करेंगे? तो जो मिनिमम कंडीशंस किसी भी पॉलिटिक्स को मीट करने की है वो कभी रही नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस ना जब इकोनॉमी के मुद्दे लेकर आते हैं तो आइडियोलॉजिकल मुद्दे नहीं लेकर आते हैं, वो वेलेंस के मुद्दे लेकर आते हैं। हर नेता, हर पार्टी, मैं विकास करूंगा यही बात करता है, हर बोलता है मैं भ्रष्टाचार कम करूंगा, रोजगार बढ़ाऊंगा। इसमें तो कोई डिफरेंसेस हो ही नहीं सकते ना, वो तो सभी लोग यही करना चाहते हैं। हाँ, ये सही बात कही आपने। और लेकिन राहुल, मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है वगैरह, तो अब जैसे सरकार क्लेम कर रही है कि सिर्फ 11% लोग भारत में मल्टी डायमेंशनली गरीब हैं, उस तो मतलब क्योंकि वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती रहती है तो उससे बेहतर तो हो रही होगी सिचुएशन, तो उससे आगे जाके शायद पॉलिटिक्स बदल सकती है और इकोनॉमिक इश्यूज भी ज्यादा प्रधान हो सकते हैं इन सब मामलों में, ऐसा लगता है? देखिए, इकोनॉमिक कंसर्न्स हमेशा वोटर के मन में रहेगा, स्पेशली इस तरह की सोसाइटी में जहां पे ढेर सारे वोटर्स आर डिपेंडेंट ऑन कि राज्य से उन्हें कुछ सुविधाएं मिले, उसी से उनका जीवन यापन होता है। अभी भी हमारे यहाँ मतलब मेरे ख्याल से हमें इंडिकेशंस हैं उन चेंजेस के, कितना समय लगेगा और क्योंकि कई डेटाज में नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बहुत श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम मुझे एक डेटा सेट में लास्ट ईयर दिखा था कि नाउ द मतलब प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आता जा रहा है। अच्छा, ठीक है, वरना हमारे देश में सरकारी नौकरी को लेकर जो मतलब हमेशा से लगाव रहा है, शायद वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है या इन सब चीजों की वजह से, वो कम होता नहीं नजर आ रहा था। इसीलिए आप देखेंगे अभी भी, और शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत समय लगे, अभी भी पॉलिटिक्स का एक एंगल किस तरह की बातें करता है, हम सरकारी नौकरियां बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाने की भी अब बात होने लगी है, पर अभी भी यही होता है कि हम वैकेंसीज खोलेंगे। तो अभी भी सरकारी नौकरियों में कई ग्रुप्स ने पिछले 10 सालों में धरना प्रदर्शन किया कि आरक्षण मिलने चाहिए। अब अगर सरकारी नौकरियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में लगातार तेजी से घटती जा रही है तो हमें सोचना होगा कि क्या नए तरीके हो सकते हैं रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कितना तो आर्थिक कंसर्न्स, अगर मैं कहूंगा कि आर्थिक मुद्दे जरूर वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के जेहन में रहता है, वो बहुत इस बात पे सोचते हैं। जैसे अभी भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ऐसी अपेक्षा है कि अगले 1-2 महीनों में इकोनॉमी में जो डिस्ट्रेस था वो और भी कम हो जाएगा। तो वो कोई भी ये नहीं चाहता है चुनाव में जाना जब बैड इकोनॉमिक कंडीशन। अगर वोटर्स उस पर गुस्सा हो गया तो आप चुनाव हार सकते हैं, महंगाई हमेशा कंसर्न रहती है। पर अब यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था ना कि अलग अलग यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई जो डिस्कोर्स एनालिसिस करता है उसे कुछ इस पे एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारे यहाँ ये लाइक मैं लाइक ये किसी पॉलिटिशियन ने मुझे जोक की तरह कहा था बट ये सच होगा कि आप कभी चुनाव के समय अगर चले जाएं या कभी 1950 में भी अगर सर्वे कर लें, एक सवाल पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है इस चुनाव में। 4 मुद्दे जो हमेशा हर सर्वे में आते हैं, उनकी रैंकिंग चेंज हो सकती है। हमें बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और हमें विकास चाहिए। ये 4 शब्द
मतलब इसका हो सकता है कर्नाटक में अलग शब्द हो या तमिलनाडु में अलग शब्द हो, पर ये चार मुद्दे हर समय सर्वेज में दिखते हैं। तो इस विकास चाहिए इसका क्या मतलब, हमने तो बहुत एनकंपासिंग टर्म है, और शायद आप भी अपने घरों में, जैसे लाइक मैं अपनी माँ को कई बार मुझे उन्हें बोलना पड़ा, मम्मी हमेशा ही शिकायत करती है देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, मैंने कहा पर माँ कभी ये भी तो सोचो कि आपके पति की और आपके बेटे की 10 साल के मुकाबले तनख्वाह भी बढ़ी है। तो हाँ मतलब ये मत बोलो कि 5 साल पहले ये चीज इतने की मिलती थी, अब आपकी परचेजिंग पावर भी उस हिसाब से बढ़ी है, तो हम रिलेटिवली नहीं सोचते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन पे। और आपके पेपर में आपने लिखा भी है कि इकोनॉमी के सवाल पे काफी सारे जो सर्वे टेकर्स हैं वो एक्चुअली बोलते हैं कि उनका कोई मत नहीं है, क्योंकि या वो अपना मत नहीं बना पाते हैं एकदम ही क्लियरली, क्योंकि शायद इस ये बनाने के लिए थोड़ी और चीजें जानने की जरूरत पड़ती है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, नहीं आप बोलिए। जो मैंने अभी ये विकास और ये सब, तो ये तो वेलेंस के मुद्दे हो गए। अगर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पढ़ना है इंडियन केस में, तो हमें हमें सच्ची में नहीं पता है कि वो सवाल क्या होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, और ये मैंने पेपर में भी मेंशन किया है, कि हम बहुत सालों तक एक सवाल पूछते रहे कि शुड फॉरेन कंपनीज बी अलाउड टू ट्रेड फ्रीली इन इंडिया। ये एक सवाल है, ठीक है, फ्री ट्रेड का क्लासिक इकोनॉमिक पॉलिटिक्स इकोनॉमिक आइडियोलॉजी का क्वेश्चन है। एक दिन हमें ऐसे ही कौंधा कि जब ये वोटर सवाल सुनता होगा तो क्या उसके मन में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ जाती होगी। तो शायद जब वो एक फ्री फॉरेन कंपनीज के सवाल को आंसर कर रहा है तो वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के प्रस्पेक्टिव से नहीं सोच रहा है, वो कॉलोनियलिज्म के प्रस्पेक्टिव से सोच रहा है, राइट। हम जब गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग समझेंगे इसे सैलरी एफिशिएंसी इन सब चीजों से, बट अगर आप देखें कि हमारा प्राइवेट में काम करना, मतलब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो हम, आप बैंगलोर की आईटी कंपनीज हटा दें या दिल्ली के बड़े संस्थान हटा दें, जो सेकंड टियर टाउन में अगर आप प्राइवेट जगहों पे काम करते हैं तो जो आपकी हालात होते हैं, जो आपका रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर के साथ, वो बहुत ही विचित्र होता है। मतलब वो कब आपको निकाल दे बिना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे लॉज नहीं है, कोई प्रोटेक्शन स्कीम नहीं है। तो इसलिए जब वो सवाल को सोचता होगा तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी किस तरह से सोचेगा फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट लेड इंटरवेंशन। तो हमें अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शायद हमें कुछ सवाल टेस्ट करने होंगे कि अगर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पढ़ना है तो किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए इस देश में। हाँ सही बात है, लेकिन वैसे लॉस तो बहुत है हमारे यहाँ पे उसके रिलेटेड। हाँ। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मतलब, पर एनफोर्समेंट नहीं है तो इट्स एज गुड एज लॉस है ही नहीं वहाँ पे तो। हाँ ठीक है, तो ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने राहुल। तो आगे बढ़ते हैं, एक कुछ और चीजें हैं जिससे हमें थोड़ा और समझना था, जैसे एक पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की बात हम लोग अक्सर कहते हैं, और हम लोगों ने एक एपिसोड किया था गौरव सूद के साथ जिन्होंने हमें बताया था यूएस में पोलराइजेशन किस तरीके से बढ़ रही है, और ये भी एक एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट था कि पोलराइजेशन काफी हद तक बढ़ रही है यूएस में भी। तो भारत में हमें क्या पता पड़ता है पोलराइजेशन के बारे में, और इसको आप किस तरीके से शोध करते हैं इस तरीके के सवाल का, क्योंकि अक्सर लोग तो बोलते ही रहते हैं ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, लेकिन आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपने क्या पाया है इसके ऊपर? जी, तो देखिए भारत में जब हम ध्रुवीकरण के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा उसे जाति और धर्म से जोड़ के रखते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन और कास्ट पोलराइजेशन के सेंस में करते हैं। और गौरव सूद, मुझे जहां तक उनके रिसर्च के बारे में पता है कि वो आपसे पार्टीजन पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। कि जो डेमोक्रेट है और जो रिपब्लिकन है वो अपनी पार्टी आइडियोलॉजी में इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि वो दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। तो हम जब ध्रुवीकरण की बात इंडिया में करते ना तो वो गोलबंदी की, इस ग्रुप की अपर कास्ट की यहाँ गोलबंदी हो गई, दलितों की वहां गोलबंदी हो गई, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। जो तो मैं इस पोलराइजेशन के क्वेश्चन को लेकर काफी इंटरेस्टेड था, जो पुराने सर्वेस थे उन्होंने कभी पार्टीजनशिप को बहुत सीरियसली मेजर नहीं करा। मतलब सर्वेस में ये हमेशा सवाल पूछे जाते थे कि देखिए दो, ये तीन अलग सवाल होते हैं, विच पार्टी आर यू गोइंग टू वोट फॉर, which party you closely identify yourself with, and which party you are member of, ठीक है? तो member generally हमने देखा है surveys में लगभग 8-10% रहा है, constant रहा है। Party identification 2019 तक
लगभग 30-35 के आसपास, 1/3 पीपल आर सेइंग वी आर आइडेंटिफाइंग, एंड देन यू हैव वोटर्स जो 70-80% के आसपास लोग होते हैं। तो आपने आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी में भी ये देखा होगा कि हमने कहा था कि जो पार्टी आइडेंटिफायर होता है या जो मेंबर होता है वो वोटर से ज्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल पोजीशन रखेगा, क्योंकि वो अपने आप को पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करता है। अब हम ये पढ़ना चाह रहे थे कि इस आइडेंटिटी के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें। तो कई जगह पे लोगों ने एक पूरी स्केल बना रखा है 6-7 सवाल का, तो हमारे पास उतनी जगह नहीं थी तो हम 3-4 सवाल सर्वे में डाल पाए। पर अब मैं उसे, एक सर्वे है जो अर्बन इंडिया का है, बट लाइक इट गिव्स मी अ गुड सेंस कि दिस माइट आल्सो बी हैपनिंग इन रूरल इंडिया, क्योंकि ये अब हम 7 या 8 राउंड वो सर्वे कर चुके हैं 2020 से। तो हमने उसमें कुछ ऐसे सवाल जोड़े कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरी पार्टी के बारे में अच्छी बातें करता है तो मैं उसे अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे पार्टी के बारे में खराब बातें करता है तो मैं उससे नाराज हो जाता हूँ या झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे 2-3 सवाल पूछ के हमने स्ट्रेंथ ऑफ पार्टीजनशिप ना, पहली फाइंडिंग उसकी क्या है कि लगातार पार्टीजनशिप बढ़ती जा रही है, स्ट्रॉन्ग पार्टीजन। अब मतलब अब ये देखना है कि क्योंकि हम इलेक्शन के पास आ रहे हैं इसलिए बढ़ती जा रही है, क्या 2024 के बाद कुछ कम होगी फिर वापस बढ़ेगी। दूसरा हमने ये देखा कि ये जो लाइक ढेर सारे सवालों पे जो अंतर है वो कांग्रेस बीजेपी का तो है, पर बहुत अंतर है कि आप स्ट्रॉन्ग पार्टीजन हो या वीक पार्टीजन हो। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, हमने मेरे हिसाब से ये पार्टीजनशिप शेप कर रही है हमारे ढेर सारी चीजों को हम देखते कैसे। तो छोटा सा एग्जांपल, ये इंडिया में अभी नहीं होता था ना कि मेरे रिसर्च से भी नहीं जुड़ा हुआ है, पर पहले ना जब लोग डेटिंग ऐप यूज करते थे या मैट्रिमोनियल साइट्स यूज करते थे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पे बात नहीं करता था। यूएस में ये एस्टैब्लिश्ड है कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स रेयरली डेट एंड मैरी। अब आप देखेंगे डेटिंग एप्स पे लोग अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस लिखने लगे हैं इंडिया में। सोशल मीडिया पे अभी इस प्रकार का आप डिस्कोर्स सुनेंगे कि आप कैसे एक ऑपोजिंग आइडियोलॉजी के इंसान के साथ रह सकते हैं, टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। ये अगर आपके रिश्तेदारों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है तो भी आप रिश्ते भी नहीं रख सकते हो आइडियली, मतलब उस प्रकार का भी एक रहता है कि लोग वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं तोड़ देना चाहिए। इसे तो आप नहीं चूज कर सकते हैं, स्पेशली आपके पुराने जो घर के रिश्तेदार हैं, पर आप किसके साथ डेट करेंगे या किसके साथ दोस्ती निभाएंगे वो तो अब आपकी चॉइस है, और अब आप वहां पे उस चॉइस में आप पॉलिटिक्स को एक एलिमेंट मानने लगे हैं। और मतलब जैसे सर्वे में दिखता है कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टीजन्स हैं उन्होंने सर्वे में कहा है कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज से हमारे पर्सनल रिश्तों में खटास आने लगी है। लोगों ने हिस्ट्री के बारे में, हमने एक सर्वे में पूछा था कि अगर आप हिस्ट्री के लोगों को देखें, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, बोस, इनका आजादी में क्या योगदान रहा, और इस पे पार्टीजन कलर है जो आप कहेंगे लेफ्ट लीनिंग वोटर्स कांग्रेस एंड अदर पार्टीज सी गांधी एंड नेहरू इन अ डिफरेंट लाइट वर्सेस बीजेपी एंड राइट लीनिंग वोटर्स। हमने ऐसी पॉलिटिकल सिनेमा कल्चर के बारे में हमने 4 अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का नाम दिया, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, उस पे आपको डिफरेंसेस दिखते हैं। तो मेरा मोटा मोटा ये मानना है कि ऐसा हो रहा है कि पार्टीजनशिप आपके इर्द गिर्द ढेर सारी जो चीजें हो रही हैं उसको देखने का लेंस बनता जा रहा है, और उससे ना इलेक्शंस पे काफी फर्क पड़ रहा है। मैंने 2022 के समय जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था और मैं ऐसे ही थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, उसके बाद ये मैंने एक पीस लिखा था कि वोटर्स ना अब इशू रैशनलाइजेशन करने लगे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने पहले ही चुन लिया किस पार्टी को वोट करना है, कौन से मुद्दे पे बात करनी है वो उसके बाद लाते हैं। तो अब 22 का समय था, कोविड हुआ था, काफी परेशानी थी, तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी लीनिंग वोटर है वो कोविड की परेशानियों पे ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है, वो इनफैक्ट महंगाई को भी जायज ठहरा रहा है, बोल रहा है जब इतना लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, तो कहीं तो महंगाई पड़ेगी, ठीक है। और जो समाजवादी पार्टी या एंटी बीजेपी वोटर है वो अलग मुद्दों को उठाएगा। तो अलग अलग मुद्दों पे ही वो लोग बात करते थे क्योंकि उन्होंने पहले तय कर लिया है कि उनकी पार्टी कौन सी है, तो जो पार्टी के नैरेटिव को सूट करे वो उन मुद्दों पे बात करते थे। जी, वैसे राहुल, ये जो गौरव ने बताया था उससे काफी मेल खा रही है ये बात, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया था कि यूएस में
वोटिंग बिहेवियर इज अ वर्डिक्ट ऑन द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो. ऐसे हो गया है कि लोग ऑलरेडी सोच रहे थे ये खराब इंसान है क्योंकि ये मेरी पार्टी को वोट नहीं कर रहा है. तो शायद उस तरीके से हम लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं. तो ये थोड़ा स्पेक्यूलेटिव सवाल है, लेकिन क्या आपको लगता है इंटरनेट और सोशल मीडिया का योगदान हो सकता है ये पोलराइजेशन बढ़ाने में? क्योंकि हर ये सब विचार अब बड़े व्यापक होते जा रहे हैं कि और हर पॉलिटिशियन टेक्निकली कई ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है. वो मेरा एमपी नहीं होगा फिर भी मैं आज उसे सुन सकता हूं वगैरह. तो ये पोलराइजेशन क्या इज इट ड्रिवन बाय द पार्टी, बाय द लीडर्स, और इज इट ड्रिवन बाय जस्ट द वे सोशल मीडिया इज? ऐसा कुछ स्पेक्यूलेट किया जा सकता है इसके ऊपर? इसके ऊपर क्या कुछ स्टडीज है? सोशल मीडिया का डेफिनेटली एज अ कैटलिस्ट रोल है, क्योंकि एक तो इसने बहुत ही कम समय में इट मैनेज टू रीच टू अ लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन. जब पॉलिटिक्स की पहले 10-15 साल पहले 20 साल पहले चर्चा होती रही होगी तो वो 20-25% की पॉपुलेशन थी जो ऊपर के लेवल पे जो चर्चा हो रही है उसको तक पेनिट्रेट होती थी, वो चाहे अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से. अब वो लगभग 80% जनता के पास पहुंच रही है, वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, क्लिप्स के माध्यम. तो बहुत ही शॉर्ट समय में बहुत ही लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन इन चीजों से जुड़ गया है. तो उसने क्योंकि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, और सोशल मीडिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली वन द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत तेज हो गई है, दूसरा वो बहुत जल्दी चीजों को एम्पलीफाई करती है, तीसरा उसका एक और भी ये चीज है कि वो बहुत जल्दी मुद्दे चेंज होते रहते हैं. आज ये वायरल होगा, कल वो वायरल होगा, तो फिर किसी ना किसी इशू को आप पकड़ के बैठ जाते हैं. और उसपे लाइक पॉलिटिक्स से एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या मानना रहा है कि हमारे जो ग्रीवियंसेस हैं वो पॉलिटिक्स के थ्रू सेटल होंगे. और क्योंकि रोज मुद्दे बदल रहे हैं, ढेर सारे मुद्दे सेटल ही नहीं हो पा रहे, तो हम सब ने अब अपने अपने मुद्दे लेकर एक खेमे में जा रहे हैं जिससे कि पोलराइजेशन शायद बढ़ रही है. तो मेरे ख्याल से एक तो आप सोशल मीडिया के रोल को मान सकते हैं, दूसरा कि लाइक हमेशा एक साइकिल होती है मेरे ख्याल से समाज में कि जो लाइक इस समय ये काफी इम्पोर्टेंट शायद हो गया होगा कि लाइक सत्ता की चाबी किसके पास रहे. एंड बिकॉज सबका अपना वर्ल्ड लाइक कैसे दुनिया चलनी चाहिए, देश चलना चाहिए, सरकार चलना चाहिए, उसका एक व्यू है. और उस व्यू में लोगों को जिसे आप मॉरल इक्वेट कर रहे थे वो बेसिकली इस तरह का हो गया है कि द ओनली गाय हु शुड रूल शुड बी माय गाय और माय टाइप ऑफ गाय, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरे इंटरेस्ट के बिल्कुल विरोध में चला जाएगा. तो क्योंकि वो डिस्ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये सब आई थिंक एक साथ मिलके पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं. हाँ बिल्कुल. और शायद सोशल मीडिया के एक दो और कैरेक्टरिस्टिक भी है कि जो जितना उत्तेजक बात होगी वो ज्यादा दूर तक पहुंचती है. तो हम लोग नुवांस चीज कहेंगे तो उसकी इतनी अपील नहीं रहेगी. एक और चीज ऐसी मैं ऐड करने के लिए, इसलिए मैं सोशल मीडिया एक कारक है पर उसे पूरी तरह से नहीं. जैसे पॉलिटिक्स ना लीडर सेंट्रिक होती जा रही है. लीडर सेंट्रिक क्यों रही है? ऐसा नहीं पहले लीडर नहीं होते थे, वो इसलिए होती जा रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो पार्टी की है वो वीक होती जा रही है. अब अगर ऑर्गेनाइजेशंस वीक होती जा रही है तो लीडर पहले क्या करेगा? पहले उसे अपने बेस को मोबिलाइज करना है. बेस को मोबिलाइज करने के चक्कर में क्या होता है कि आप एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हो. जब आप एक्सट्रीम पोजीशन ले लोगे तो आपके पास मॉडरेट पोजीशन, ये यूएस में इस पर रिसर्च है कि एक्चुअली हमारे यहाँ ना मिडिल क्लास की ये फैंटेसी है कि प्राइमरी डिबेट होनी चाहिए. एक्चुअली प्राइमरी डिबेट क्या करती है कि पहले आप अगर रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं तो आपको रिपब्लिकन्स को अपील करना है, और डेमोक्रेट है तो आपको डेमोक्रेट्स को अपील करना है. अब आप बेस को अगर अपील करेंगे तो दोनों पहले पार्ट अपार्ट हो जाते हैं. इतना अपार्ट हो जाएंगे कि जब चुनाव के पास है तो वो मीडियन वोटर की तरफ कितना भाग पाओगे जब आप इतना दूर जा चुके हो. आप क्योंकि पहले शुरू से कोशिश ही नहीं करते हो कि आपको मिडिल ऑफ द रोड वोटर चाहिए. आप तभी कैंडिडेट बनोगे जब आपने अपने बेस को अपने साथ कर लिया. तो शायद एक्चुअली भारत में अगर हम सोचें कि प्राइमरी आ जाए तो हमारा पोलराइजेशन और बढ़ सकता है एक्चुअली. मतलब ये तो स्पेकुलेशन है बट हाँ शायद एटलीस्ट अभी तो एटलीस्ट वैसे अभी भी थोड़ा सा तो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के मुद्दों से भी बढ़ा ही है एक प्रकार से. पर फिर भी उनको एक बड़े लोगों को तो इकट्ठा करने का तो प्रेशर रहता ही है कि मुझे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को इकट्ठा करके एक
जोड़ के लाना है, वो तो प्रेशर है ही। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पॉज करके एक और सवाल, एक चीज पे पूछना चाहती थी आपको कि, और शायद ये एक पूरी पुलियाबाजी बन सकती है इस विषय पर ये जैसे आप सर्वे के डेटा के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सर्वे बेस्ड डेटा और उसके ऊपर एनालिसिस, इन सब में क्या चैलेंजेस आती है आपको इस प्रकार के जो एनालिसिस करने में, और क्या इनकी लिमिटेशंस होती है? बहुत ढेर सारी चैलेंजेस, और आप सही बोल रहे हैं कि इसमें पूरा पुलियाबाजी करना पड़ेगा। मैं अशोका यूनिवर्सिटी में एक पूरा सेमेस्टर कोर्स इस पे पढ़ाता हूँ जो 14 वीक्स चलता है, तो जाहिर सी बात एक अलग चर्चा करनी। ढेर सारे पूरी दुनिया में वो जो चैलेंजेस हैं सर्वेस को लेकर, वो हमारे यहाँ भी है। पर मैं जितना कह सकता हूँ कि सर्वेस बहुत ही कॉस्टली एक्सरसाइज होते हैं, और हमारे यहाँ हमने ना नॉट सिर्फ अकेडमिक या वोटिंग बिहेवियर, हम रिसर्च के लिए रिसोर्सेज नहीं रखते हैं, वो बहुत हमारे पास रिसोर्सेज की एक तो कमी है, दूसरा ट्रेनिंग की कमी है। मतलब आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि देश की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी एमए पीएचडी लेवल पे सर्वे रिसर्च पर कोर्सेज नहीं है, अगर तो हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं अपने यंग जनरेशन को। और इस वजह से हमारे पास, अगर मैं कहूं कि एक तो डेटा की कमी है, हम उस फ्रीक्वेंसी पे सर्वेस भी नहीं है जिस फ्रीक्वेंसी पे आप यूएस में देखते हैं, और अगर जो है भी उसकी भी हम सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग सर्वे करने में ट्रेन नहीं है, डेटा एनालिसिस में ट्रेन नहीं है। और हमारे पास ना सिर्फ हमारे यहाँ वो मिथ्स ज्यादा है थियरीज के बजाय। जैसे मैं शुरू में बोल रहा था ना कि वोटिंग बिहेवियर को लेकर ढेर सारे मिथ्स हैं, वैसे ही कि सर्वे रिसर्च को लेकर भी मिथ्स है। अब सर्वे रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की डिसिप्लिन से आता है, उस पे 200 सालों की पूरी स्टैटिस्टिकल थियरी है। पर अब आप कभी टीवी पे आप देखिएगा, जिस भी पार्टी के खिलाफ वो सर्वे इंडिकेट कर रहा होगा, वो ऐसे बात करेगा कि ये लाखों करोड़ों लोगों का देश है, आप 20,000 लोगों का सर्वे करके आए, आप क्या बताते सैंपलिंग और स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो अब अगर कोई इस बेसिक लेवल पे बातचीत नहीं होगी तो फिर कैसे। अब जैसे मैं आपको छोटी और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक नहीं सीमित है, आप अगर और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स या वहां का कोई न्यूज चैनल बहुत अच्छा है, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पोलिंग डायरेक्टर होगा, एक पोजिशन होगी, एक उनके जो ट्रेन होंगे इन सब चीजों में। तो ऐसे नहीं कोई भी आके कुछ भी सर्वे दिखा रहा है, एक वहां बॉडी है जो आपस में सेल्फ रेगुलेटरी है कि भाई इतना चीजें करनी है। अब जैसे हमारे यहाँ सर्वेज आते हैं, वो जैसा सच्ची में कई बार मुझे भी लगता है कि वो इलेक्शन नाइट तमाशा है, रादर देन की मेथड क्या है, कैसे करा, कितने लोगों से। तो अभी सिर्फ इतना बता देते हैं कि हमने 1,00,000 लोगों से बात करी, ये जरूरत नहीं है कि आपने कितने लोगों से बात करी, उन 1,00,000 लोगों का चुनाव कैसे हुआ, उसमें कितना रिप्रेजेंटेटिवनेस है, आपने कैसे सवाल पूछे। जैसे अभी मैं पिछले हफ्ते की क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, अभी जैसे लाइव एग्जांपल, हमने एक सर्वे करा और एक किसी और ने सर्वे करा, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, पर अलग ढंग से वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल पूछा गया। एक सर्वे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सपोर्ट है और दूसरे में नहीं है, और ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने सवाल कैसे पूछा है। तो अब ये सब की एक अगर बेसिक ट्रेनिंग हो तो हम इस पे ज्यादा कारगर ढंग से बातचीत कर। फिर एक मैं इस पे फिनिश करता हूँ, कई बार मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो बोलते हैं, अरे अरे सर्वे तो लोग कमरे में बैठ के भर देते हैं, कोई ग्राउंड पे नहीं जाता है, सब झूठी होता होगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आपको पता है देश में ढेर सारी आर्थिक नीतियां जो बनती हैं वो इसी तरह के सर्वेस पे बनती हैं, चाहे वो एनएसएस का सर्वे हो या एनएफएचएस का सर्वे हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मान लीजिए एक समय सेकंड के लिए मान लिया जाए कि राजनीति के से जुड़े हुए सर्वेस फर्जी होते हैं, तो आपके पास क्या सबूत है कि बाकी सर्वेस ठीक होते होंगे? दूसरा कि लोग झूठ बोलते हैं, तो मैंने उनको बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है, हमें नहीं पता है लोग झूठ बोलते हैं दिनों, मतलब जैसे इतने दिनों में हमें पता है किन सवालों पे किस तरह का झूठ होगा, हमें पता है इनकम एवरीबॉडी इज गोइंग टू अंडर रिपोर्ट, है ना। तो हमें हमें अभी भी जानकारी हमें पता है कि जब तक वो झूठ सिस्टमेटिक ना हो कि एक तरह के लोग झूठ बोलेंगे और दूसरी तरह के नहीं बोलेंगे या रैंडम हो, उसके बारे में हमने सोच रखा है। हमें पता है कि इनकम सब लोग अंडर रिपोर्ट करते हैं, तो मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्रणय की इनकम क्या है, ख्याति की इनकम क्या है। प्रणय ने अंडर रिपोर्ट करा, ख्याति ने अंडर रिपोर्ट करा, दोनों ने अंडर रिपोर्ट करा। अब मैं ये देख सकता हूँ कि ठीक है, इनमें से एक
अपर मिडिल क्लास में आएगा, एक मिडिल क्लास में आएगा, क्योंकि मैं तो एग्रीगेट लेवल पे एनालिसिस कर रहा हूँ ना, मुझे प्रणय के अंडर रिपोर्टिंग और ख्याति के अंडर रिपोर्टिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता है अगर डायरेक्शन ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इज सेम। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें। अब टीवी पे इस तरह के नुएंसेस की समय नहीं होता है, क्योंकि 30 सेकंड में कोई आप पे हमला कर देगा और आप अगर एकेडमिक है तो आप की आदत होती नहीं है, तो आप बस चुप रहते हैं उससे। तो वैसे वापस इसे पोलराइजेशन वाले एक सवाल पे, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कही राहुल, की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होते जा रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे एकदम विपरीत थी, मुझे लग रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी एक जो संस्था है वो पिछले 75 साल में तो और ही स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ आया और उसके बाद अब तो वो ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हैं जिससे उनको स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये क्या माजरा है कि लीडरशिप इफेक्ट बढ़ रहा है और पार्टियां कमजोर हो रही हैं, आपने कहा, तो ये कैसे समझे इसको? मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनली वीक हो रही है पार्टी। ऑर्गेनाइजेशनली क्यों वीक हो रही है, जैसे मैं आपको सीधा, अगर पार्टी में सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, अब आप देखिए ढेर सारी पार्टियों में कोई चैनल ही नहीं है कि किस तरह से पार्ट लाइक सिलेक्शन होता है लीडर्स का टॉप पे, ठीक है? सो लॉयल्टी बिकम्स द बेसिस ऑफ यू टू स्टे इन पार्टी, नॉट योर हार्ड वर्क, राइट? तो अगर कल को मैं और आप पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हम चाहते ना कि हमारा कोई एक करियर पाथ हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, 5 साल मेहनत करोगे तो ये बन जाओगे, 3 साल मेहनत करोगे तो ये बन जाओगे। तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशंस खोखली हो गई ना, अगर उसमें रूल्स ऑफ मोबिलिटी क्लियर ही नहीं है, ठीक है? किस आधार पे किसे चुनाव के लिए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं टिकट दिया जाएगा। पार्टी के अंदर भी, चलिए पार्टी बाहर नहीं बताती है, पर अंदर भी इस पे कोई चर्चा खास नहीं होती है। अब जैसे लाइक आप देखेंगे कि लोकल लेवल पे हमने इन सब चीजों पे रिसर्च भी बहुत ज्यादा नहीं करी है, मतलब कितनी जगह पे पार्टी ऑफिसेज हैं, वो ऑफिसेज पार्टी की हैं, कैंडिडेट की नहीं है। मतलब कल को प्रणय ने पार्टी बदल दी तो ऑफिस भी खत्म हो गया उस पार्टी का, राइट? आप मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई इनकी एक ऑफिस होगी, उस ऑफिस में 4 कमरे होंगे, जैसे छोटी छोटी चीजें, क्या हर ऑफिस में एक रिसेप्शन है, अखबार आता है वहां पे, टॉयलेट है क्या मेल और फीमेल? आप देखेंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशनली वीक है, क्योंकि वो स्पेस ही ऐसी नहीं है कि वहां पे सब लोग जा सकें। पार्टीज आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन दीज लोकल लेवल कैंडिडेट्स टू रन डेली अफेयर्स। क्या पार्टीज के पास ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल है कि हर महीने हर दफ्तर को 20,000 रुपए दिया जाएगा खर्च चलाने के लिए? जब आप ये नहीं करोगे तो आप लाइक सारे तरीके, आपने कोई कंसल्टेंट कैसे हायर होगा, नहीं हायर होगा, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है? किसी भी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होने चाहिए ना, वो रूल्स इंडियन पार्टीज में अनक्लियर हैं। और उसका एक इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये पोलराइजेशन छोड़िए, क्योंकि इसीलिए अगर आप देखेंगे सर्वेज में लगातार पूछा जाता है कि आप ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे कितना ट्रस्ट करते हो, मिलिट्री पे कितना ट्रस्ट करते हो, पार्टीज पे कितना ट्रस्ट करते हो, द ट्रस्ट इन पार्टीज हैव कंटिन्यूअसली डिक्लाइन। पीपल डोंट सी पार्टीज एज अ ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन। और उससे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे ढेर सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो नॉन पार्टी स्पेसेस में होते हैं, और वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पार्टीज को 3 कोर फंक्शन मेरे हिसाब से होते हैं। एक तो दे हैव टू फंक्शन कि लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं उनसे ऊपर तक पहुंचाएं। दूसरा एक फंक्शन इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिनके भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बने और उन्हें उसका रास्ता दिखाए। इन सब चीजों में पार्टीज क्लोज्ड होती जा रही है, इस वजह से मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनली वीक है, बनती जा रही है। हाँ, एक्चुअली अब तो अगर प्राइमरीज हो तो शायद इन पार्टी पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स के ऊपर, लेकिन अक्रॉस पार्टीज शायद कम हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट एक मैकेनिज्म हो सकता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए लाइक क्या होगा वो तो मतलब थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा, बट उसे टेस्ट भी करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं जो चीज यूएस में काम करती हो या ना करती हो हमारे यहाँ भी करे या ना करे। हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट है, उसमें से कुछ चीजें अच्छी होंगी। और मैं मेरा ये भी मानना है कि ना आप कोई भी रूल लॉ इंस्टीट्यूशन लेकर आओगे, उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, कुछ नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। और एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, आई वुड से, बिटवीन एन एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक। एन एक्टिविस्ट इज ऑलवेज ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दैट सजेशन,
पर काफी मतलब, और खैर हमारे साथ दिक्कत यह है एकेडमिक्स कि हम ओनली हाइंडसाइट में ही पता कर पाते हैं कि क्या इसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम। राहुल, मुझे एक्चुअली एक और सवाल पूछना था जो शायद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही उसका कुछ कनेक्शन है, जो जहां तक मैंने पढ़ा आपका आर्टिकल उसके बारे में, जिसमें आपने लिखा है कि एक पैराडॉक्स उभर के आ रहा है कि काफी सारे इनकम्बेंट एमएलएज जो है वो हार जा रहे हैं इलेक्शंस में, हालांकि जो पार्टी लीडरशिप है उनकी पॉपुलैरिटी बनी रह रही है, पर जो एमएलए है इंडिविजुअल्स उनकी पॉपुलैरिटी घट जाती है और वो हार जाते हैं। इसलिए काफी बार हम देखते हैं कि इवन सेम पार्टी होती है तो वो अपने इनकम्बेंट एमएलए को चेंज करके नए उम्मीदवार को रख देती है वहां पे, या कोई नहीं करती और उसकी वजह से वो हारती है। तो थोड़ा इस पे बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है कि एमएलए को लोग नहीं सपोर्ट करते हैं लेकिन पार्टी तो वही वोट दे रहे हैं फिर भी। तो अब ये मैं जो अभी पहले बात कर रहा था और ये अभी मैं ये लिखूंगा कि मुझे इस पे बहुत अच्छे से चीजें पता है, बट ये सब इमर्जिंग ट्रेंड्स है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, ये पार्टी सेंट्रलाइजेशन बढ़ने की वजह से लीडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। और अब आप देखेंगे कि पावर जो एमएलए की हुआ करती थी 60s, 70s और 80s की, वो धीरे धीरे कर्टेल होती जा रही है। एमएलएज अब मान लीजिए, जैसे अब टेक्नोलॉजी का एक जिसे आप कहेंगे एमएलएज की पावर कंट्रोल, अगर आप सीधे ही सारा पैसा स्टेट कैपिटल से बैंक अकाउंट में जा रहा है तो आप ये कहेंगे कि देखो एफिशिएंसी हो गया, करप्शन कम हो गया, पर उससे क्या नेगेटिव हो रहा है कि जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स कर सकते थे एमएलएज जाके ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के किसी को दिलाना किसी को नहीं दिलाना ये सब, उनकी धीरे धीरे पावर कमजोर होती जा रही है। तो अब वो स्टेट लेवल लीडर के सामने एक तरह से कमजोर हो गए और स्टेट लेवल लीडर अपनी मर्जी से किसी को हटा सकता है किसी को नहीं हटा सकता है। अच्छा, स्टेट लेवल लीडर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि जब वो सरकार में आता है तो वो सारी स्कीमें अपने से जुड़े हुए चढ़ाता है, मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री ये योजना, तो लोग जो उन्हें उन्हें सारा इस तरह की वेलफेयर मिलता है वो उसे लीडर से एसोसिएट करके देखते हैं। अपने एमएलए को वो समझते हैं कि ये कुछ खास काम तो करता नहीं है सिर्फ और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एमएलए बहुत अच्छे होते हैं, वो इस तरह की सारी नेगेटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, किसी की जमीन कब्जा लेना, किसी को ये कर देना, और इस वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी या मतलब जो सरकार के प्रति जो गुस्सा होता है वो जनरली एमएलए पे निकलता है कि तुमने हमारा काम ये वाला नहीं कराया, क्योंकि लोगों का इंटरफेस तो एमएलए से है ना, मुख्यमंत्री से तो वो रोज मिल नहीं सकते ना। और इसीलिए क्या हो रहा है, अब ये पार्टीज ने करना शुरू कर दिया है कि वो ढेर सारे सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं देते हैं और वो लगातार चेंज करते रहते। तो आप ये देखिए पॉलिसी पे कितना बड़ा फर्क हो रहा होगा शायद, और ये सब स्टडी करने का है कि हमारे यहाँ लगभग मोर देन हाफ ऑफ आर इलेक्टेड एमएलए और एमपी आर फर्स्ट टाइम, मतलब हमारी हर बार हाउस ऑलमोस्ट नई हो जाती है, सिर्फ आपको 20-25% से कम लोग मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस 2 से ज्यादा बार होता है। तो मतलब उनका एक्सपीरियंस ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि हर बार नए लोग आ जा रहे हैं और बहुत कम हाउस होता है जो 2 टर्म्स का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस रखता है। और वैसे ही मतलब उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर एमएलए और एमपी कितना आज लेजिस्लेशन को इफेक्ट कर पा रहा है, ये भी एक सवाल बन जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेगा कि मैं अग्री नहीं करता हूँ मेरी पार्टी के मुद्दे से तो मैं अलग वोट दूंगा, वो तो दे नहीं पाता है, तो वैसे ही वो ज्यादा कुछ शायद उसका वैल्यू उतना ही है कि उसको मेन पार्टी को जिता के लाना है, शायद उसके बाद उसका कुछ काम इतना ज्यादा रहता नहीं है, एटलीस्ट अभी प्रैक्टिस में ऐसा लगता है हमें। सारी चीजें हो सकती है ख्याति, एक तो पहला जो आपका बात है बिल्कुल सही है कि शायद हमारे यहाँ जो ये एमएलएज और एमपीज हैं वो अपने आप को लेजिस्लेटर्स की तरह देखते ही नहीं। आप कितने लाइक उनको बात करते देखेंगे कि मैं इस पॉलिसी के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे यूएस में होता है कि कांग्रेस में लोग पॉलिसीज मूव करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ही कम इंडिया में मूव होते हैं। दूसरा, अगर आप पार्टी लाइन से डिफेक्ट करते हो तो आपको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, और चुनाव इतना महंगा है और आप सदस्यता गंवा के, और स्पेशली एक तो महंगा है, दूसरा दूसरी बार आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, और तीसरा आप ये भी एक सोचने की बात है, और इसमें देखिए पीआरएस जो एक संस्था है जिसकी ये लैम फेलोशिप है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है
कि अब हम लोगों ने अगर लाइक आप टीवी सीरीज या कुछ देखेंगे तो वहां पे हर एमपी या एमएलए के पास एक रिसर्च पूरा स्टाफ होता है, जो कि मतलब बच्चे इंटर्नशिप करते हैं कॉलेज के जाने वाले। हमारे यहाँ आप कितना लाइक बच्चों को देखेंगे कि वो एमएलए के साथ इंटर्नशिप कर रहा है और वो बैंगलोर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में या दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हो। मतलब पॉलिटिशियन के साथ तो इंटर्नशिप करना ऐसा लगता है कि जो जिन्हें पॉलिटिक्स करना है सिर्फ वही जा सकते हैं, लेजिस्लेटिव या पॉलिसी इंटरेस्ट के हिसाब से लोग पॉलिटिशियन के साथ नहीं इंटर्नशिप करते हैं, तो उनके पास वो रिसर्च सपोर्ट भी नहीं है कि कोई उनके लिए रिसर्च करे बताए, शायद वो भी नहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि आखिरकार जैसे जस्ट टू गिव लाइक कारण और रहा होगा 2014 से 19 तक जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पार्लियामेंट अटेंड करी उसको 2019 में टिकट नहीं मिला। अच्छा कौन थे? शायद मेरे ख्याल से भैरव प्रसाद मिश्रा, ये इस पे एक आर्टिकल था मिंट में जिसमें उन्होंने प्लॉट कर रखा था हर व्यक्ति की अटेंडेंस एंड वेदर। तो अब रिसर्च का मुद्दा है कि अगर आप पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रीनॉमिनेटेड, विनिंग तो अलग, रीनॉमिनेशन होता है या नहीं होता है। तो हमने ये कभी नहीं सोचा है कि एक्टिव पार्लियामेंटेरियन एंड देयर एबिलिटी टू गेट रीनॉमिनेशन और रीइलेक्टेड। तो ये हाँ ये बड़ा पैराडॉक्स है और एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से और भी ये इसीलिए मैं कह रहा था शायद कि पार्टी का महत्व बढ़ रहा है पर जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनली वीक हो रही है और दोनों चीजें साथ चल रही है। ठीक है ये बड़ी अच्छी बात की आपने राहुल। एक और सवाल था जो कि अक्सर हमें सुनने में आ रहा है कि जैसे अब लोग कह रहे हैं कि विमेन वोटर्स अब बीजेपी को ज्यादा वोट कर रही है और इसके ऊपर कई सारे स्टडीज हुई है और तो सर्वे से आपको क्या पता पड़ता है कि एक परिवार के लोग हमेशा साथ में वोट करते हैं क्या? इसके ऊपर नीलांजन सरकार और शायद अनिर्वाण चौधरी ने भी हाल ही में लिखा है, तो आपकी क्या सोच है इस मामले? तो देखिए कई चीजें साथ में हो रही हैं और अभी हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वुमेन टर्नआउट बढ़ रहा है, ठीक है, और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दूसरा ये बात भी सच है कि 2014 तक बीजेपी को जेंडर डिसएडवांटेज हुआ करता था, मतलब उन्हें कम महिलाएं वोट करती थी। 14 से 19 के बीच में वो गैप ऑलमोस्ट खत्म हो गया और 19 के बाद ऐसा दिखने लगा है कि कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं। ये ट्रेंड हमें दिखा यूपी में लगभग मिनिमम 10 परसेंटेज पॉइंट का गैप था। ये ट्रेंड असम में था, उत्तराखंड में था। तो ऐसा पहले भी रहा है कि कई जगह पे महिलाएं अलग पार्टी को वोट करती थी, जैसे जब जयललिता थी तमिलनाडु में तो उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस होता था, या ममता बनर्जी को बंगाल में होता था। तो इस तरह की चीजें थी, बट अब कंसिस्टेंटली बीजेपी को थोड़ा एज दिख रहा है। ऐसा हर बार हर चुनाव में नहीं होता है बट होता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। ये कारण हो सकता है कि बीजेपी ने कई ऐसी पॉलिसीज लाई जो विमेन सेंट्रिक हो और उसकी वजह से महिलाएं उनके लिए वोट कर रही हो। ऐसा हो सकता है कि महिलाओं में शायद से नरेंद्र मोदी या उनके प्राइम मिनिस्टर उनके चीफ मिनिस्टर्स की लोकप्रियता ज्यादा हो उसकी वजह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़े हैं और उसमें बीजेपी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनली मजबूत पार्टी है उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ अच्छा तारतम्य है और उस वजह से वो मोबिलाइज ज्यादा कर पा रही है। तो इसके कारण अलग हो सकते हैं। अभी तक सभी लोग सिर्फ वेलफेयर वाले पे फोकस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सोचिए लाइक अब वही वेलफेयर पॉलिसीज अनाउंस करके शिवराज सिंह चौहान को फायदा होता है पर अशोक गहलोत को फायदा क्यों नहीं होता है, या फिर कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। तो मतलब ये हम बहुत जल्दी आउटकम और उसका रिलेशनशिप ढूंढ लेते हैं। आई थिंक ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर लाइक जो आपने सवाल पूछा उससे जोड़ के भी ये हमारे ज्यादातर सर्वेस जो पहले होते थे अभी भी होते हैं सभी लोग हम क्या करते हैं कि अमूनन घर के एक व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, और उसका कारण है कि हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये कहता है कि आप जाति धर्म के हिसाब से वोट करते हो तो घर में तो सबकी जाति धर्म एक होती है, या आपको सरकार से क्या वेलफेयर मिला उससे वोट करते हो तो अगर कोई वेलफेयर मिला तो घर में सबको मिला होगा, ठीक है। पर हमने एक सर्वे करा, छोटा सर्वे था, दिल्ली में था, जिसमें हमने हाउसहोल्ड में दो और कहीं कहीं तीन लोगों से बातचीत करी और हमने ये देखा कि घर के अंदर ये सिर्फ महिला और पुरुष नहीं, कई बार लाइक उम्र दराज और यंग के बीच में भी ये अंतर देखने को मिल रहा है
जिसमें मैं कहूंगा कि वोट स्प्लिट हो रहा है, मतलब कोई पार्टी ए को वोट कर रहा है तो कोई पार्टी बी को वोट कर रहा है। अब इसके कारण जाति और वेलफेयर से अलग है। आई थिंक एक तो सबसे बड़ा कारण, और आपके सोशल मीडिया को मैं यहाँ पे जोड़ के देखना चाहता हूँ, वो क्या रहा है कि पहले अगर हम टीवी देखते थे, अखबार देखते थे, तो हम सब सेम अखबार और सेम टीवी देखते थे। अब क्योंकि हमारे हाथों में अलग अलग मोबाइल फोन है, उस पे जो फीड आ रही है वो अलग अलग आ रही है, तो हमारा जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है ना, वो अलग अलग हो रहा है सेम छत में रहने के बावजूद। और इसीलिए हम अलग अलग नेताओं, अलग अलग पॉलिसीज और अलग अलग पार्टीज को पसंद करने लगे। इंटरेस्टिंग। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जैसे कि हम लोगों ने बात की विमेन वोटर के बारे में, लेकिन अभी आगे जाके रिजर्वेशन भी शायद होने वाला है, सरकार ने तो कहा है उसके बारे में, तो उस चीजों का, जैसे कि आपने पहले भी कहा, हर चीज का एक सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू भी होता है, एक एनालिस्ट को सोचना चाहिए, तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे किस तरीके से पॉलिटिक्स बदल सकती है अगर ये रिजर्वेशन हो जाए तो? विमेंस रिजर्वेशन, और मैंने इसे बहुत गहराई से नहीं सोचा है प्रणय, की अगर ये रिजर्वेशन हो जाए तो किस तरह से बदल सकती है। शुरू में काफी उथापथल होगी, और एक कारण अभी मुझे नहीं पता है कि एक जिस कारण से वेमेन रिजर्वेशन बिल लटका हुआ था इतने दिनों तक, उसका एक बड़ा कारण ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ओबीसीज और एससीज को खास तौर से रिप्रेजेंट करती थी, उनका एक जायज सवाल था कि अगर आप या तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ले आओ, जैसा कि पंचायत में कई जगह पे है, कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में 25% पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, तो उसमें 50% महिलाएं लड़ेंगी, 50% पुरुष लड़ेंगे, या उल्टा है, मतलब जैसे 50% मेन फीमेल रिजर्वेशन है तो कास्ट का उसमें एंगल। तो उनका ये कहना था कि अगर आप जेंडर के बेसिस पर रिजर्वेशन ला रहे हो, तो क्योंकि जो जनरल कास्ट की महिलाएं हैं वो ज्यादा समझ लीजिए फॉरवर्ड है, बोल सकती हैं, इंटरेक्ट कर सकती हैं, यहां से अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा और ओबीसी और एससी का रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। तो अब ये इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व नहीं किया गया है, और ये रिजर्वेशन देखिए लागू तो होने के लिए आप अभी दो तीन चीजें, अब 5 साल से पहले तो नहीं हो सकता, आपको नया सेंसस का डेटा चाहिए जिसके आधार पे डिलिमिटेशन होगा, हमें ये तय करना, अभी हमने ये नहीं तय करा है कि ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जैसे हम एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, या हम डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे कि एक जगह से एक महिला इलेक्ट होगी और एक पुरुष इलेक्ट होगा। तो अभी ना सिर्फ मैं कहूंगा कि बहुत ऊपरी स्तर पे है और devil lies in the detail, तो हम इन सब चीजों पे जिस तरह का फैसला करेंगे वो राजनीति पे उस तरह का असर रखेगी। तो इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ, क्योंकि हम ये डेमोग्राफिक के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जैसे हम हमारा इंडिपेंडेंस के समय का एक जनरेशन से एक जनरेशन दर जनरेशन बदलाव आया है, उसके साथ ये आपका पेपर नहीं है पर आपने ये जो CSDS का जर्नल है उसी में इस रिलेटेड पे भी इस पे चर्चा हुई है, तो हम मुझे सोचा मैं जो लगा कि आपसे थोड़ी चर्चा कर लें। तो जैसे ये डेमोग्राफिक जनरेशन बदल रही है उसके साथ भी हम कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस जो एक ट्रेडिशनली आफ्टर इंडिपेंडेंस वो एक बड़ी पार्टी उभर के आई थी, उसका जो एक नेहरूवियन कंसेंसस था उस प्रकार उस पार्टी की एक धीरे से वो कम होते जा रही है और एक नई पार्टी उभर रही है, क्या ये सिर्फ मुद्दों से परे होके शायद ये जनरेशन चेंज होने के साथ की बहुत सारी चीजें जो बदल रही है उसका एक है, इसको आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कि देखिए मतलब ओवरऑल कई चीजें बदल रही है, अगर आप इसे लॉन्ग प्लेन में देखें 1947 से 1952 के बीच में आज तक के बीच में, तो उस पेपर के हिसाब से लगभग हम 4-5 जनरेशन्स पॉलिटिक्स में निकल चुके हैं, उनकी मुद्दे अलग हैं, उनकी अपेक्षाएं अलग हैं और ये सारी चीजें बदलती जा रही हैं। अगर आपका सवाल डायरेक्टली ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस क्या जनरेशनल चेंज की वजह से कांग्रेस पार्टी कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो जाहिर सही बात है। इनफैक्ट किसी ने मुझसे ये कहा था और ये सही मुझे लगा था कि कांग्रेस इज नॉट अ 21st century पार्टी एंड बीजेपी इज 21st century पार्टी, फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन कि जिस तरह से बीजेपी ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के मीडियम्स को अडॉप्ट करे हैं वोटर आउटरीच के, मतलब आप वो गैप देखेंगे कि राहुल गांधी इज मच यंगर देन द प्राइम मिनिस्टर, बट ही वॉज वेरी लेट टू कम टू फेसबुक, वेरी लेट टू कम टू ट्विटर,
और लाइक जो गैप है दोनों के बीच में इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स जस्ट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट टेल्स यू समथिंग. ऑफकोर्स वो ग्रोथ पीएम बनने के बाद उनकी और भी ज्यादा रही होगी. तो एक तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाई है और इसी वजह से आप यंगर वोटर्स के साथ कनेक्ट छूटता जा रहा है. दूसरा जो मैंने आकांक्षा और अपेक्षा की बात करी, आप देखिए एक प्राइम मिनिस्टर की एक सबसे बड़ी खासियत शायद रही है कि वो यंग वोटर्स की एक तो लैंग्वेज समझते हैं और उनसे उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. कभी उन्हें फ्रॉड करते हैं, जैसे 2019 के लोकसभा के समय उन्होंने कहा कि जितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम होना चाहिए. तो ही ऑल्सो फाइंड्स लैंग्वेज टू कनेक्ट विद देम. आप ध्यान करिए 2013 के जब वो कैंपेन शुरू कर रहे थे तो SRCC कॉलेज में बोल रहे हैं या कहीं बोल रहे हैं, तो एक उन्होंने एक आउटरीच का माध्यम भी बनाया. अब क्या कांग्रेस सिर्फ यंगर वोटर के साथ प्रॉब्लम फेस कर रही है? आई थिंक कांग्रेस ना मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की भी साथ में प्रॉब्लम फेस कर रही है. जस्ट टू गिव यू टू डेटा पॉइंट्स, कांग्रेस का वोट 1989 में भी लगभग 11 करोड़ के आसपास था. मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात कर रहा हूं. और आज भी कांग्रेस का वोट सिर्फ 11 करोड़ है, जबकि 1989 में लगभग 350-400 लाइक मिलियन या लाइक 30 करोड़ 40 करोड़ मतदाता थे और आज 90 करोड़ मतदाता हो गए. तो आपका इलेक्ट्रेट डबल हो गया पर जो एब्सोल्यूट नंबर्स में कांग्रेस वोट था वो बिल्कुल, मतलब आपका वोट शेयर घट गया और इसी वजह से परसेंटेज में वो घटता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रेट शेयर बढ़ता है. इसका मतलब कि कांग्रेस की मोबिलाइजेशनल एबिलिटी कम होती जा रही है. तो मैं एक सिंपल ग्राफ आपको अगर बताऊं कि आप 1989 से लेकर 2019 के बीच में वोटर टर्नआउट और कांग्रेस वोट शेयर का अगर एक ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव है. जब जब टर्नआउट बढ़ता है तब तब कांग्रेस का वोट घटता है. इनफैक्ट 1989 को हम मानते हैं एंड ऑफ कांग्रेस सॉर्ट ऑफ एरा, राइट. 1989 में एक चीज हुई थी, राजीव गांधी सरकार ने वोटिंग की एज को 21 से 18 करा था. तो ये सारे जो एक तरह से इशारे हैं, मतलब, और इसीलिए मैं जनरेशन को सिर्फ एज के टर्म्स में कम, मतलब उसको वहीं तक सीमित नहीं करना चाह रहा हूं, पर ये सारे आंकड़े एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे. ठीक है, एक लास्ट आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ. एक ये मूड ऑफ नेशन सर्वे जो आया है उसमें से क्या कुछ ऐसे कुछ बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ये जो ट्रेंड्स निकल के आए हैं? और दूसरा एक सवाल कि क्या आर्थिक नीति 2024 में मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको क्या लगता है इसके बारे में? पहला मैं आपको दूसरे सवाल को पहले आंसर कर देता हूँ. हाँ. देखिए कोई भी ना, ये सारे इश्यूज जो होते हैं पॉलिटिक्स में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. उसे मुद्दा बनाया जाता है, मतलब लाइक लोगों के इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं. अभी भी इस सर्वे में भी अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, पर आपको उस पर कैंपेन करना होगा फॉर वोटर्स टू थिंक कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार. तो कुछ इश्यूज ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं और ये राजनीतिक दलों पे निर्भर करता है. 2024 क्या आर्थिक मुद्दों पे तय होगा? नहीं. 2024 का चुनाव अगर आप रिजल्ट पे बात करें तो ये मोटा मोटा इस बात पे निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ वेस्ट में किस तरह परफॉर्म करती है. बाकी सब सेकेंडरी है इस मैथ के आगे. अगर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी चुनौती नहीं दी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और सपा के साथ मिलके उत्तर प्रदेश में, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है. इसीलिए इंडिया अलायंस और ये सब जो बातें हो रही थी, वो जो अलायंस हैं वो अपने स्टेट्स में ठीक ठाक करेंगे, पर अगर बीजेपी उसी तरह से इस हिस्से में जीतती है जैसे पिछली बार जीती थी तो बीजेपी का आंकड़ा इस हिस्से से लगभग 225 हो जाता है. लास्ट टाइम वो 90-92% स्ट्राइक रेट था. तो एक बार अगर आप उस हिस्से से 225 सीटें लेकर आ रहे हैं तो फिर पल्ला आपकी तरफ झुक चुका है. तो स्ट्रक्चरली, और ये मूड ऑफ द नेशन ने भी दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी अभी पोल पोजीशन में है इस चुनाव को लेकर. और क्योंकि वो ज्यादा पोल पोजीशन में दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके नंबर्स और जगह बढ़ें, क्योंकि जो कई घटक दल जैसे शिरोमणि अकाली दल या आंध्र प्रदेश में,
उनके साथ कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और वो नंबर्स वहां पे बढ़ जाए। मुझे दो सर्वेज में, नॉट जस्ट ये मूड ऑफ द नेशन पर जो यूगप सर्वे है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन के लिए मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे बने हुए हैं, पर अब बहुत देर हो गई है। अब मुश्किल से 7 दिन बचे हैं चुनाव में, मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में चुनाव अनाउंस हो जाएगा। अब ऑपोजिशन के पास और स्पेशली कांग्रेस पार्टी के पास समय नहीं है उन मुद्दों पे राजनीति करने का, और क्योंकि वो लगातार जिसे कहते हैं ना कि आज ये मुद्दा उठा लें, कल कुछ और उठाते हैं, परसों कुछ और उठाते हैं, पॉलिटिक्स लाइक एक सिंगल लाइन नैरेटिव जब तक नहीं क्रिएट होती है उससे लोग बहुत ज्यादा जुड़ना, मतलब यही काम होता है लीडर का। आप आइडियोलॉजी आइडेंटिटी में एक था ना, लीडर्स जो होते हैं वो ह्यूरिस्टिक डिवाइस की तरह एक्ट करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजिकल आइडियाज है ना उसको आसान भाषा में वोटर के पास ले जाना होता है। तो जो बीजेपी का एक लाइक क्लियर नैरेटिव है, राइज ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज इन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये एक लाइन है, इससे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, चंद्रयान भी जुड़ा हुआ है, राम मंदिर भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, सारा चीज। सो एक वो जो सिंगल लाइन जब तक वो नहीं ढूंढते और सारी चीजों को एक साथ नहीं लाते हैं, तो मेरे हिसाब से सर्वे डेटा इंडिकेट करते हैं कि एक सेगमेंट है जिस जो सरकार की हर चीज से पूरी तरह से इत्तफाक नहीं रखता है, पर वो ऑपोजिशन को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं मानता है इस चुनाव के लिए। और इनफैक्ट एक हमने सवाल पूछा था युगप में, वो आज आया हुआ है मिंट में, कि हमने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस बड़ी चुनौती देगा, पहले बिखर जाएगा या कुछ खास नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ऑपोजिशन वोटर्स आर ऑल्सो स्केप्टिकल ऑफ इंडिया अलायंस चांसेस। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो राहुल बहुत बहुत शुक्रिया, ये अभी इलेक्शन आ रहा है, देखते हैं कहाँ पर ये बात किस तरीके से बढ़ती है, लेकिन आपने जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड तौर पर हमें समझाया तो बहुत मजा आया आपसे ये समझ के, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऐसे ऐसा विषय है जिसमें इंटरेस्ट बहुत है लेकिन एरोगेंस और इग्नोरेंस भी बहुत ज्यादा है इस विषय में। तो आपने जिस तरीके से सिस्टमैटिकली समझाया और ये भी बताया कि एक्चुअली कैसे ये पता करते हैं लोग कि किस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है या किस तरीके से विमेन वोटिंग हो रही है, तो ये सब जान के बहुत मजा आया और मेरा दावा है कि कई हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा ये एपिसोड। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार आप पुलियाबाजी 5 साल बाद ना आए और उसके पहले ही आ जाए। इसका मतलब ये ना ही है कि इलेक्शन हो, पर उसके पहले ही हम लोग आपको जरूर से इंतजार रहेगा ख्याति। और बहुत धन्यवाद आपका बुलाने का और ये मेरे लिए भी बहुत मजेदार था ये चर्चा करना और कुछ सवालों के बारे में सोचना। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर। शुक्रिया।